अगर इसके ऊपर चढ़ेंगे ना कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, और इसमें ना कीले भी नहीं लगी हुई पीछे। ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर किसी भी टाइप का स्टोर हो, इससे ज्यादा वेट कोई रख पाएगा, कोई भी बना सकता है। मतलब कोई एक नॉन स्किल आदमी है उसके लिए भी इजी है, कोई भी बना सकता है। इसके लिए आपको बीटेक नहीं करनी पड़ेगी। मैगी बनने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन रैग बनाने में 5 मिनट लगता है। कैसे आप लोग, आज मैं आपको लेके आया एडवांस रैक पे, जो कि दिल्ली के अंदर में काफी ज्यादा फेमस है इस टाइप के मॉडर्न फर्नीचर को लेकर। मतलब कोई सी भी तरह का आपको स्टोर खोलना हो, ग्रोसरी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, या फिर कुछ भी अलग टाइप का आप सोच रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके एरिया में इस टाइप का मॉडर्न फर्नीचर हो, तो उस टाइम आपके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा नाम बताता हूँ, जिसका नाम है एडवांस रैक, जो कि लोकेट है दिल्ली के अंदर में। पूरे इंडिया आपको ये फर्नीचर प्रोवाइड करा सकते हैं इस टाइप का, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो, और आप अपने शॉप को, शोरूम को, स्टोर को, किसी को भी एक मॉडर्न लुक दे सकते हो। तो ये देखिए, आज हम आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टाइप का आप ये पीछे भी देख पा रहे होंगे, और इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होने वाली है और शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। और साथ ही साथ इसको लेने का फायदा ये भी होता है, एक तो ये पोल्यूशन फ्री होती है, और इसकी सेल्फ लाइफ की भी बात करें तो लगभग 15 साल, एक चीज को 15 साल यूज करना, मतलब उसके पैसे वसूल करना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, बराबर बेल आइकन आ रही होगी उसको भी दबाएं, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो इस तरह से देख सके। नीचे मेरा इंस्टा का यूजर नेम आ रहा होगा, आप वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं फटाफट से आज की वीडियो। अभी हमारे साथ में होंगे एडवांस रैक से गौरव जी, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या हो आप और क्या काम करते हो। हमारा सर फर्नीचर का काम है, जितने भी बड़े बड़े मॉल में या सुपर मार्केट में जो फर्नीचर लगता है, हम उस तरह के फर्नीचर डिजाइन करते हैं। हम ट्रेडिशनल फर्नीचर से इसको कंपेरिजन करें, क्योंकि वुडन फर्नीचर होता है, तो हमें इसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं? सर दीमक नहीं लगती सबसे पहले। अच्छा, बात 15 साल इसकी लाइफ है, ठीक है, कलर कोई भी मिल जाता है उसमें। आप है ना अपने प्राइस टैग भी लगा सकते हो, या 10 रुपीज 15 रुपीज, अगर आप शॉप पर नहीं हो ना तो भी उस टैग को देख के कोई भी प्रोडक्ट निकाल के बेच सकता है। ओके ओके। तो अगर आपसे किसी को ये बाय करना हो तो उसके क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे खरीदा जा सकता है? आपको पहले नक्शा भेजना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लेआउट तैयार करेंगे। उसमें 1 डे का टाइम लगता है, 1 दिन का पूरा टाइम लगेगा, ठीक है, और जब नक्शा बन जाएगा उसके हिसाब से हम एस्टिमेट देंगे आपको, और क्वालिटी पूछी जाएगी आपको, किस क्वालिटी में चाहिए, आपको ये वायर स्टॉपर चाहिए या नहीं, या ये प्लास्टिक में चाहिए, तो उस हिसाब से एक एस्टिमेट तैयार होगा। मतलब फुल कस्टमाइजेशन इसका, फुल कस्टमाइजेशन, और ऑनलाइन आपको पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आपका जो मटेरियल है बुक हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, और इसकी अगर कोई डिलीवरी चाहता है आपसे बुकिंग के बाद में, तो पैन इंडिया आप डिलीवर भी कर सकते हो? पैन इंडिया ऑलरेडी हमने किया भी है, अंडमान निकोबार किया है, लेह लद्दाख किया है, जम्मू कश्मीर किया है, असम, ओडिशा, सब जगह किया है। आपके बारे में जितना मैंने सुना है कि आप जो आपके बाकी कॉम्पिटिटर है उनके मुकाबले में एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आते हो लोगों के लिए, क्योंकि काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है लोगों के साथ, तो ऐसा कैसे क्या क्या कर पा रहे हो आप लोगों के लिए? हमने ना इसमें ज्यादा मैंने जो ध्यान दिया इसकी स्ट्रेंथ पे दिया, कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, पर शेल्फ 70 किलो तक आप वजन रख सको, और ये बेंडिंग ना हो इसमें, मेरा ध्यान सारा वहाँ है। सेकंड थिंग, ये कलरफुल होता है ना, एक बहुत प्यारी अपीयरेंस आती है। ओके, और हम लोग है ना जाली स्टॉपर देते हैं, ठीक है, कई लोग प्लास्टिक स्टॉपर देते हैं, तो इसमें सामान है ना होल्ड नहीं होता। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ओके ओके, तो ये देखिए, अभी आपको एक एग्जांपल के लिए एक चीज दिखाते हैं, जैसे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, अगर हम यहाँ रखे और यहाँ रखे, अगर मैं इसे नीचे की तरफ गिराऊं बड़े इजीली ये चला गया, गिर गया। और इसको गिराऊं तो ये पीछे की साइड चला गया, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना शॉपिंग के टाइम में ना, वो सामान गिरा देते हैं, तो ये जाली स्टॉप पर रोकता है। ओके ओके, तो इस वजह से हमारी जो कॉस्टिंग है ना मार्केट से थोड़ी अलग रहेगी। ये नहीं होगा मैं सस्ता दूं, सस्ता देंगे तो ये लगाना पड़ता है। ओके ठीक है जी, तो ये देखिए, आपको प्रीमियम चाहिए तो आप ले सकते हो, और अगर आपको मार्केट वाला चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड थिंग, इसमें साइड जालियां लगी होती है, माल है ना आपका नीचे नहीं गिरेगा। ओके ओके, अगर आपका प्रोडक्ट रखा है ना साइड में, हाँ, तो आपका वो नीचे नहीं गिरता साइड से, ठीक है। और जैसा मैं ये देख पा रहा हूँ, आपने कॉर्नर के लिए भी काफी अच्छी चीज बनाई हुई है, ताकि किसी की छोटा एरिया थोड़ा हो तो कॉर्नर भी पूरे अच्छे से कवर हो जाए, है ना? जी सर। तो ये देखिए, जैसे कॉर्नर में अगर आप देखेंगे हैंड मूवमेंट इजी है, ये लकड़ी के रैक में आप बना नहीं सकते, बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल केस है, और इसमें आप देखोगे पूरी है ना यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। हाँ जी, तो ये देख सकते हो आप इसके बारे में जैसा हमने दिखाया। और इसके अगर प्राइस रेंज की बात करें तो बेसिकली कितने से शुरू हो सकती है ये? रनिंग फीट में चलते हैं, जैसे अगर आप हैवी में बनवाओगे तो 1900 रुपए रनिंग फीट, ओके, और हल्के में 1600 रुपए। अच्छा, हाँ जी। और इसको बनवाने का तरीका कैसे होता है, कैसे आपसे कॉन्टेक्ट वगैरह किया जा सकता है, साइज के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन दें? जी, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर होता है, आप पहले उस पर नक्शा भेजिए अपनी शॉप का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी डिजाइन टीम है ना नक्शे का पूरा लेआउट बनाएगी, और हम लोग एस्टिमेट भेजेंगे इसको। एस्टिमेट बनाने में 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि ज्यादा कॉल्स होती है, इस वजह से हम जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखिए, मतलब आपको 1 to 2 डेज का टाइम लगेगा, पर आपको परफेक्ट एस्टिमेट दे देंगे। और अगर इसको चाहिए
तो आप ये पूरे इंडिया में कहीं पे भी दे सकते हो अभी जी सर। अभी रिसेंटली मैंने अंडमान निकोबार भी भेजा है। अच्छा, और यहाँ पर भेजा है, लद्दाख में भेजा है, इसकी वीडियोस भी है मेरे पास। अच्छा जी सर, तो ये देखिए आपको वो भी हम वीडियो शेयर कर देंगे, तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा काम होने वाला है, ताकि पैन इंडिया से अभी भी ये काम कर ही रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी आप सोच सकते हो, वहाँ पे इनका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, और कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं, बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज की डेट में आप कर ही रहे हो। ठीक है, मतलब अगर आपको एक मिनी शॉप से लेके एक बहुत बड़ा मेगा मॉल तैयार कराना हो तो वो सब पॉसिबल है आपके साथ में। तो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पास? हमारे पास जैसे ये रैक हो गए, हाँ हाँ, और उसके बाद ये बास्केट होती है। ओके ओके, ठीक है, ये 250 रुपीज की रेंज की आती है। ओके हाँ जी, तो ये देखिए 250 रुपीज में आपको इस टाइप की बास्केट मिल जाएगी। फिर आपने ये कुछ तैयार कराया हुआ, इसके बारे में बताएंगे एक बार। ये जो शैम्पू के पैकेट होते हैं उनको टांगने के लिए कई लोग रस्सियां टांगते हैं, तो उसकी जगह ये हुक्स बन गए, तो आप इस पे टांग सकते हो अपना कुछ भी टांगने का सामान। ओके, तो ये देखिए इस टाइप से भी आप ये तैयार करवा सकते हो। बाकी प्राइसिंग वगैरह के लिए आप एक बार जो कॉल करोगे, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, सारी डिटेल्स आपको बेसिकली मिल ही जाने वाली है। ठीक है, और किराना स्टोर पे जैसा आप देखोगे ना, फ्रीजर भी लगे होते हैं। ओके ओके, ये विजी कूलर है, वैसे विजी कूलर भी हम प्रोवाइड कराते हैं, इसके है? खुद के गोडाउन है हमारे। अच्छा जी सर, तो ये भी आपको अच्छे प्राइसेस पे अवेलेबल हो मिल जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है 42,000, इसका एमआरपी है। हाँ हाँ, अगर शॉप से खरीदोगे 35,000 का है, अगर हमसे लोगे 31,000 का पड़ेगा ये। ठीक है, और आपके जो ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ, जैसा आपने बताया कि 70 केजी इस पे होल्ड भी कर सकते हैं, तो ये कितने गेज वगैरह में तैयार कराया होता है, कुछ बता पाओगे आप? देखो ये 20 गेज की शेल्व होती है, बोलने में भी और होने में भी, और ये 22 गेज होता है, ये होता है 12 गेज, ठीक है, 14 गेज में होता है। अच्छा, और जितना बोला जाता है उतना ही होता है, आप जैसे ही आप प्रोडक्ट आप लेना चाहेंगे वैसा मिलेगा आपको। ओके, कस्टमाइज। ओके। तो मतलब आपके पसंद के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होता है, आपको इनके हिसाब से कोई प्रोडक्ट लेने का लोड नहीं होने वाला यहाँ पे। जैसे ही आपका इंटरेस्ट होगा, मतलब हाइट कितनी रखना चाहते हैं, इसको कितने बड़े स्पेस में रखना चाहते हैं, या फिर क्वालिटी कैसी पसंद करते हैं, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में होने वाला है। प्रोडक्ट्स के बाद भी बात करें तो और अब क्या लेके आए आप दिखाने के लिए? सर ये ट्रॉली है ना, येलो कलर में हमने कोटिंग की है। ओके, आप अगर कहोगे तो जैसे रैक का कलर येलो है तो हम येलो में कोटिंग कर देंगे। ठीक है, ग्रीन है तो ग्रीन में कोटिंग कर देंगे, रेड है तो रेड में। तो इसकी कलर कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। यस, ठीक है, और अगर अपना कोई स्टोर वगैरह का भी करवाना चाहे तो वो भी कस्टमाइजेशन पूरा कस्टमाइज हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, इस ट्रॉली की भी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा, ये 360 होने वाली जी सर, ये 360 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री जैसे अपनी एक्सिस पे ये घूम जाएगी बिल्कुल। और इसको बनाने के लिए जो वायर भी यूज की गई है, कितने एमएम की होती है? 3-4 mm की, अलग अलग जगह अलग है, जहाँ पे ज्यादा चाहिए वहाँ पे मोटी वायर लगाई है, जहाँ पे कम चाहिए वहाँ कम लगाई है। ओके, और इसमें अगर वेट की बात करें तो अप्रोक्स कितना अप्रोक्स इसमें जितना सामान आ सके ना उतना आ जाएगा। नीचे आटा रखने की भी जगह है। ओके ओके, हाँ, और ये बेबी सीटिंग का भी एरिया है, बेबी को बिठा सकते हैं। ये देखिए आपको इसमें बेबी सीटिंग की भी जगह मिल जाती है, अगर किसी को बिठाना हो, और सामान इतने की जगह आप इतना ही भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जितना मर्जी भरो। इसकी प्राइस वगैरह की बात करें तो अप्रोक्स कितनी होती है? ट्रॉली है ना, आपको अमेजोन पे 5,500 रुपए की मिलेगी, हमारे पास 3,500 रुपीज की मिल जाएगी। बहुत अच्छी जी सर। अब और भी आगे बात करें तो आप और भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे अभी? सर इसकी स्ट्रेंथ है ना बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं की 5 मिनट में बना दी तो खुल के गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामान है ना रखा हुआ है, इसके पीछे देखो कीले भी नहीं लगे। अच्छा, यही चीज में नोटिस करने वाला था। ये देखिए आप एक बार, ये देखो पीछे जो है इसके बैक साइड में ग्लास लगा हुआ है, मतलब किसी से इसको हुक नहीं किया हुआ है ना। हाँ, किसी से इसको सपोर्ट नहीं मिली हुई, ये अपने स्टैंड पे स्टैंड है। अभी देखो यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने ना 40 किलो भरा है, वैसे ये 60-70 किलो तक आ जाता है इसमें सामान। आप तो ये देखिए, अभी हमने यहाँ पे लगभग 40 kgs यहाँ पे आटा लोड कर दिया है इसके अंदर, और मैक्सिमम 70 kgs तक की चीज लोड कर भी सकते हैं इसके अंदर में। तो ये देखिए, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर किसी भी टाइप का स्टोर हो, इससे ज्यादा वेट कोई रख पाएगा, है ना। ये ऑयल की बोटल्स हैं, ये आटे की थैलियां हैं। हाँ हाँ। अगर कोई कस्टमर आएंगे तब भी ये ऐसी रखी रहेगी, ये नहीं कि दिखाने के लिए, ठीक है, हमेशा ऐसे रहेंगी। और इसकी स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हो कभी भी, अगर आप लोग हमसे मटेरियल परचेज करते हो तो हमारे फैक्ट्री पे आके पहले चेक कर सकते हो, फिर ले जा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि प्रेशर वाली बात है। ठीक है, आपकी जो क्वालिटी होती है और मार्केट में मिलने वाली चीप क्वालिटी, उसमें क्या फर्क होता है, एक बार वो दिखा पाओगे आप? देखो सर, ये एडवांस रैक का माल है, ये दूसरी कंपनी का माल है, इसमें कोटिंग भी उतरने लग जाती है। ठीक है, तो मतलब जैसा इसकी देख पा रहे हैं फिनिशिंग वैसे ही है, जैसे भी आपने नए में दिखाया जी सर, इसमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे इस तरह से टूटना मुड़ना सब चीजें आने लग गई। ये कॉपी वाला माल होता है, 1 mm की वायर है ये। ओके ओके, तो आपको सस्ता मिल जाएगा इसमें, लगभग है ना डबल क्वालिटी का फर्क है, दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए आपको इसके एक बार वेट टेस्ट भी करा देते हैं कि लगभग कितना फर्क आने वाला है। तो अब इसकी बात करें तो एक्चुअल 196 ग्राम होने वाला है वेट। ठीक है, अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये देखिए दोस्तों,
362 ग्राम। अब अप्रोक्स 80% इससे ज्यादा है इसमें मटेरियल, ठीक है। हाँ, जी। इसी वजह से कॉस्टिंग में फर्क आएगा, मैं बहुत सस्ता नहीं देता, ठीक है, क्योंकि सस्ता दोगे तो वो आपकी पॉकेट से कैसे, अब कोई कैसे देगा अपनी पॉकेट से। तो आप बेसिकली ट्राई हमेशा ये करते हो कि प्रोडक्ट कुछ ऐसा तैयार हो कि जो लेने वाला है वो उसके लंबे टाइम तक यूज कर पाए, ये नहीं कि सस्ता लेने के चक्कर में उसको 2 से 3 बार उतने ही टाइम में वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम प्रोडक्ट, क्योंकि आपने दुकान एक बार बनानी है और फिर 3 दुकानें और खोलनी है, ये नहीं कि हर 6 महीने में आप दोबारा ऑर्डर करके फर्नीचर को ही ठीक करते रहो। अभी आप हमें अपने प्रोडक्शन यूनिट पे लेके आ गए, तो अभी क्या चल रहा है एक बार आप थोड़ा सी डिटेल दे पाओगे? हमारे रैक के ऊपर है ना कोटिंग हो रही है, ठीक है, जब रैक बन जाता है ना तो उसके ऊपर ऐसे कोटिंग होती है, आप किसी भी कलर में बनवा सकते हो हमसे, ठीक है। तो ये इस तरह की कोटिंग करने के फायदे क्या होते हैं, जैसे आप ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से करा रहे हो सारा कुछ? इसमें क्या होता है 15 साल तक इसकी ना लाइफ बन जाएगी, इसमें जंग नहीं लगता, जैसे लेग रखी है यहाँ पर, अगर हम लेग देखें, ओके, इसमें हमने पूरा कोटिंग कर रखा है येलो कलर, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप आफ्टर कोटिंग कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आने वाला है, मतलब क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा फाइन आएगी, यस यस फाइन आएगी। जैसे आपने कोटिंग के बारे में दिखाया, जब ये हो जाता है तो सेकंड स्टेप क्या करते हो आप इसके लिए? जैसे ये कोटिंग हो जाती है ना तो ये भट्टी होती है यहाँ पे ना, तपता है ये मटेरियल, ओके, तो ये लगभग 200°C होता है अंदर का तापमान, और उसके बाद यहाँ पर है ना ये निकल जाता है तो ये सूखता है बाहर आके, ठीक है। तो ये देखिए मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए सारी चीज ट्राई की जाती है कि बेस्ट बनाया जा सके। आपके पास से जैसे आपने बताया आप पैन इंडिया कहीं भी भेज सकते हो रैक्स को, तो वो किस हालत में जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं? ये है ना बॉक्स की पैकिंग होती है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ बॉक्स की पैकिंग कैसी होती है, और वहाँ बॉक्स की पैकिंग में मटेरियल जाता है कस्टमर के पास, okay, और okay, ये मटेरियल है सारा पैक होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको ये डिसअसेंबल जाएगा, खुद से असेंबल करना होगा, बॉक्स में होगा पैक, ठीक है। तो इसको असेंबल करना मुश्किल होता है और कितना टाइम लगता है इसमें? मैगी बनने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन रैक बनाने में 5 मिनट लगता है। अच्छा, तो ओनली 5 मिनट्स में आपका रैक तैयार हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात होने वाली है, बहुत यूनिकनेस भी होती है, ठीक है। तो एक बार आप दिखाओगे कैसे तैयार किया, बना के दिखाते हैं। ये देखिए अभी आपको इंस्टॉलेशन के बारे में दिखाते भी है कि कैसे इसको फटाफट से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसको बनाने के लिए ना 2 या 3 लोगों की जरूरत होती है। अच्छा अच्छा, इसको बनाना जो है वो बहुत ज्यादा इजी होने वाला है अपने आप में, मतलब हम खुद से ही बना सकते हैं ना इसे? आप कर सकते हो इसे, ठीक आपको है, टेक्निकल टीम नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक कोई भी बना सकता है, मतलब कोई एक नॉन स्किल आदमी है उसके लिए भी इजी है, कोई भी बना सकता है। इसके लिए आपको बीटेक नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे ही कर लोगे आप, ओके ओके। और इसके अंदर में कलर वगैरह जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखाए काफी सारे अवेलेबल भी होते हैं, और इसके अंदर में जैसे हम देख पा रहे हैं कोई स्क्रू वगैरह भी नहीं होता, तो टाइम भी बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। डबल शेड में है, जैसे येलो कलर, आइवरी कलर या फुल बॉडी आइवरी, रेड, ब्लू, ब्लैक, सारे कलर है मेरे पास। जैसे ये कलर रखे हैं सर, अगर हम देखें ना यहाँ, ये सारे कलर मिल जाएंगे आपको। ओके, तो जैसे कंट्रास्ट बनवाना चाहे आप अपने आप ऐसा बना सकते हैं, और उसके कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई अभी तक, तो ये ड्यूरेबल भी होता है क्या? जी सर, अप्रोक्स 70 kg तक यहाँ पर आ जाता है पर शेल्फ। तो ये देखिए दोस्तों 70 kg मतलब बहुत अच्छा खासा एक शेल्फ है, और अगर 5 है तो 350 kg। अच्छा, तो इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये देखिए वो करके दिखाइए कैसे हो सकता है अभी इसका टेस्ट। अगर इसके ऊपर चढ़ेंगे ना कोई दिक्कत नहीं आती, और इसमें ना कीले भी नहीं लगी हुई पीछे, बहुत अच्छे। तो ये देखिए इसको वॉल पे हैंग नहीं किया हुआ, अगर इस बैक साइड से देखोगे ना कोई भी एक कील तक नहीं लगा रखी है। भैया का वेट अच्छा खासा होने वाला है, 75 kg है, मैं अपना वजन भी बता दूंगा। हम जैसे देख सकते हैं बहुत जल्दी स्पीड से रेडी हो गए, जैसे आपने तो 5 मिनट बोले थे, पर एक्चुअल में कोई टाइम लगा के बैठे तो उससे भी कम में हो जाएगा, कम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों बनने के बाद भी इसकी लुक जो है वो काफी अच्छी दिखती है, मतलब हमारा जो स्टोर है वो काफी अच्छा दिखने वाला है जब कोई उसे बाहर से या फिर अंदर से भी देखेगा। और कलर्स वगैरह, स्ट्रैप वगैरह सब आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो ये देखिए अब आपको कुछ और भी चीज समझाने वाले हैं भाई, जैसे बताइए क्या चीज हो रखी हुई है सारी? ये हमारी जो सारी पैकिंग है ना बॉक्स की पैकिंग में होता माल, ओके ओके। और ये वाला जो माल है ये डाबर कंपनी में जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे और माल है, जैसे ये आप येलो वाला देखोगे ये राजस्थान जा रहा है मेरा। तो मतलब अभी आप पूरे पैन इंडिया में आपका नेटवर्क फैला हुआ है? यस सर, 10 दिन पहले हमारा अंडमान निकोबार भी डिलीवरी दी है मटेरियल की, और डैमेज नहीं होता इतना दूर जाने के बाद। ओके ओके, तो कितने दिन लगते हैं इसको तैयार करने में? 7 दिन लगते हैं सर, 7 डेज, ठीक है। तो मतलब 7 दिन के अंदर आपका ऑर्डर तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद में डिलीवर में जितना टाइम लगेगा वो नॉर्मल ही होगा, ठीक है। पर मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि आपका आफ्टर फिनिशिंग जो प्रोडक्ट है, हाँ, मतलब जो सैंपल एरिया में आपने दिखाया वैसा ही एज इट इज, बल्कि उससे और ज्यादा अच्छा ट्राई किया हुआ है प्रोडक्ट के अंदर में तैयार करने का, और बॉक्स पैकेजिंग वगैरह आप देख सकते हो, क्योंकि ये ट्राई करते हैं कि अपने कस्टमर को हाईली सेटिस्फेक्शन दे पाए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज प्रतीक कुमार, टाइम आउट।